17 मई वर्ष 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। यह युद्ध अफगान के शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। कन्नौज के युद्ध को बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में हुमायूं के हारने के कई कारण थे। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं ने चौसा के युद्ध की गलतियों को दोहराया। हुमायूं को यह मालूम था कि शेरशाह की सेना उसकी सेना के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। इस वजह से हुमायूं ने अपने भाइयों से युद्ध में साथ देने का आग्रह किया, लेकिन उसके भाइयों ने भी युद्ध में उसका साथ नहीं दिया। इस युद्ध के पराजय के कई कारणों में एक मुख्य कारण यह भी था कि हुमायूं बाबर द्वारा संरक्षित तोपों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया था। 17 मई 1749 में एडवर्ड जेनर का जन्म इंग्लैंड के बर्कले में हुआ। वे काय चिकित्सक थे। यह एक आयुर्वेदिक चिकित्सा की विधि है। जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके द्वारा सबसे बड़ा प्रयोग चेचक के टीके का आविष्कार है। वर्ष 1796 में एडवर्ड ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। बाद में चेचक के टीके के प्रसार के लिए रॉयल जेनेरियन संस्था स्थापित हुई। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई।